संगीत के लिए किसी भाषा की आवश्यकता नहीं होती है। संगीत तो आत्मा की सबसे शक्तिशाली रचनाओं में से एक है। इसमें सभी को एकजुट करने के लिए सीमाओं, जाति, लिंग को पार करने की शक्ति होती है। असंख्य संस्कृतियों, असंख्य शैलियों, किस्सों और असंख्य प्रतिभाओं के घर के बावजूद भारत में संगीत की विविधता में एकता है। श्रीलंकाई हिट सॉन्ग मानिके मगेहिते इस बात का एक आदर्श उदाहरण है कि कैसे भारत में संगीत को प्यार और सम्मान दिया जाता है। जुलाई 2020 में चमत संगीत द्वारा निर्मित सिंहल गीत, जिसमें मूल रूप से श्रीलंकाई सिंगर, गायक, रैपर योहानी और सतीशन शामिल है, अपने हसमुख राग और हिंसल रैप के कारण भारत में एक नई सनसनी बन गई है। उभरते हुए संगीत स्टार योहानी डी सिल्वा मानिके मगेहिते के कवर को श्रीलंकाई तंटों से परे स्टारडम मिल गया है। मई 2021 में इसका कवर सॉन्ग लॉन्च होने के बाद से सुपर हिट रहा है। यूट्यूब पर 38 मिलियन से भी ज्यादा बार इसे देखा जा चुका है। ये गाना स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया पर रिकॉर्ड तोड़ रहा है, जिसके कारण निर्माताओं ने पिछले महीने इसके तमिल और मलयालम संस्करण को रिलीज किया। वही अब इस गाने का हिंदी वर्जन भी आ गया है, जो जबरदस्त रिकॉर्ड तोड़ रहा है। म्यूजिक लवर को ये सॉन्ग खूब पसंद आ रहा है। इतना ही नहीं, इस सॉन्ग को बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन भी खूब पसंद कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें इस गाने का जिक्र किया गया है। अमिताभ बच्चन ने अपने प्रतिष्ठित फिल्म कालिया के अपने डांस सीक्वेंस का एक वीडियो इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर शेयर किया है। हालांकि वीडियो में ओरिजिनल गाने की जगह जहां तेरी ये नजर है, इस गाने की जगह मानिके मगेहिते को रिप्लेस किया गया है। अमिताभ बच्चन ने इस पोस्ट के साथ कैप्शन में लिखा है, इसे सुनना बंद करना असंभव है। सुपर्ब।